Friends and welcome to my channel, my little friends and my students. Welcome to my channel शिक्षा साथी. यह आपका channel है शिक्षा साथी. इसमें हम आपका स्वागत करते हैं. देखिए, हम आज आपको पढ़ाएंगे वचन. वचन क्या होता है, इस पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा वीडियो बना चुके हैं. और ये देखिए, वचन मतलब नंबर. ठीक है, तो ये आपको पता है एक वचन, बहुवचन, दो प्रकार के वचन होते हैं, आपने पढ़ा भी है. तो आप जानते हैं ये ग्रामर है, यानी कि व्याकरण. और व्याकरण में, ग्रामर में हर एक चीज़ रूल रेगुलेशन के साथ चलती है ना बच्चों. तो बस इतना जान लीजिए कि आपको थोड़ा सा रूल रेगुलेशन इसमें फॉलो करने पड़ेंगे. तो चाहे आप उनको यह ऐसे याद करके करिए, चाहे आप समझ करके करिए, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आपको लर्न ज़रूर करना पड़ेगा. तो क्योंकि अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको एक भी वचन में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, कहीं कोई गलती नहीं होगी कि आपको आते हुए भी आपने वो गलत कर दिया कि ये नहीं, ये कर देते तो ये सही हो जाता. तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप रूल और रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, नियमों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको तुक्का नहीं मारना पड़ेगा, है ना. क्योंकि ग्रामर में बच्चे अक्सर तुक्का मार के चले जाते हैं कि ये एक वचन है तो इसका ये बहुवचन होगा, सही होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. तो अगर उनमें आप नियम और कानून उसके पढ़ लेते हैं, उसके रेगुलेशंस, नियम, रूल पढ़ लेंगे, तो आपको वहाँ तुक्का बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखिए, हम आपके लिए थोड़ा सा लाए हैं कुछ परिभाषाएं और कुछ उसके नियम, जिससे कि शायद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वचन को और अच्छे से समझ करके उनको चेंज करने में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक वचन, बहुवचन. आपके दो प्रकार के वचन होते हैं, नंबर्स होते हैं. तो देखिए, एक वचन जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं. जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, यानी कि किसी भी शब्द के द्वारा जब एक प्राणी का, एक वस्तु का या एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे क्या कहेंगे, एक वचन. ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, आँख, रात, बात आदि. जैसे कि आँख, राख, बात, रात, आपका नाम जो है, लड़का, लड़की. टीचर को आप बोलते हैं अध्यापिका, आपके सर, सर जी. और इस तरह से कोई भी एक व्यक्ति, उसके साथ कोई दूसरा ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक वचन है ना. आपका एक दोस्त होगा, दूसरा दोस्त इसके साथ ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो एक वचन आप पढ़ रहे हैं. एक वचन में सिर्फ एक ही दोस्त आपका, आप जो है, आप खुद होंगे, या एक ही दोस्त होगा, दूसरा आपका फ्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि ये एक वचन है. और जब हम बहुवचन बात करते हैं तो इसका मतलब एक से अधिक, यानी कि जैसे कि आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उसी तरह से एक से अधिक, मतलब कई सारे दोस्त जब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे दोस्तों, क्या बोलेंगे हम, दोस्तों. एक दोस्त नहीं है हमारा, कितने हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों. जिस शब्द के द्वारा अधिक प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कविताएं, महिलाएं, बंदूकें, आँखें आदि. कविताएं मतलब जैसे आप कविता पढ़ रहे हैं तो एक कविता पढ़ेंगे तो हाँ मैंने कविता पढ़ी, कई सारी कविता पढ़ेंगे तो मैंने कविताएं पढ़ी. एक महिला को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मैंने एक महिला को देखा. लेकिन कई सारी महिलाएं एक जगह खड़ी हैं तो उनको क्या बोलेंगे, महिलाएं. बंदूक, अगर आपके पास एक बंदूक है तो बंदूक है आपके पास, लेकिन कई सारी बंदूक हैं या एक से अधिक हैं तो बंदूकें, ये बहुवचन में आएगा. आँख, एक आँख की बात की जाएगी तो आँख, लेकिन दोनों आँखों की बात की जाएगी तो आँखें. ठीक है, शायद आपको अब समझ में आ गया होगा एक वचन और बहुवचन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है. अब देखिए, इनमें वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, वो हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किए हैं. हाँ, तो दोस्तों हम वचन परिवर्तन के कुछ नियम पढ़ रहे हैं. तो देखिए, बड़ा आ को ए में बदल कर, यानी कि जब हम वचन परिवर्तन के कुछ नियम पहले हम आपको बता देते हैं, तो
तो उसमें क्या सबसे पहला ये होगा कि बड़ा आ को यानी कि अकारान पुल्लिंग, मोस्टली वो शब्द आपके पुल्लिंग होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ताला, ताला, ताला एक पुल्लिंग शब्द है। आपको लग रहा है बड़ा आ लास्ट में आ रहा है, ताला, ला पे हमने एक ही मात्रा लगा दी यानी कि ए लगा दिया, तो क्या बन गया, ताले, एक वचन से बहुवचन में चेंज हो गया। इसी तरह से दरवाजा, दरवाजे का बहुवचन दरवाजे, ए लगा दिया हमने। फिर नीला, नीला एक वचन है, उसके बाद हमने ए ला में एक नी ले, ला पे एक ही मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, नीले। ए में आ को ए में बदल दिया हमने, जो आ की मात्रा लग रही है, इस पर बड़ा आ की मात्रा लग रही है, उसको हमने ए में बदल दिया, तो नीले। उसी तरह पीला, पीले, ठीक है। यानी कि अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके लास्ट में अगर आ आता है, बड़ा आता है, वे शब्द हम लेंगे, उनको ए में बदल करके हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगा देते हैं। अभी तक हमने ए लगाया, जब आ आ रहा था बड़ा आ को ए में चेंज किया तो केवल ए था, लेकिन यहाँ ए पर चंद्र बिंदु भी लगेगी, स्त्रीलिंग होगा। आकारांत, अकारांत था ये, आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में जब ए और ए चंद्र बिंदु यानी कि ए लगा देंगे तो वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा है कविता, तो कविता, कविता पर हम क्या लगा देंगे, कविता के बाद ए लगा देंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, कविताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महिला, महिला, फिर इसमें हम महिला के आगे ए लगा देंगे और ए पर चंद्र बिंदु, महिलाएं, ठीक है बच्चों। देखिए दोस्तों आगे, और हमें खेद है ये हम थोड़ा थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गया है, सॉरी फॉर दिस। देखिए कथा, कथा, कथाएं, ठीक है, कथा है आपका, तो यानी कि क्या आया, स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग है, इसके बाद हमने इसमें क्या लगाया है, ए, और ए के ऊपर चंद्र बिंदु, कथाएं, ठीक है। फिर एक जैसे लड़के को जब बोलते हैं कन्या, तो कन्या का आ लगा हुआ है, इसके ऊपर आ को चेंज करके, बड़ा आ को चेंज करके स्त्रीलिंग में ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। यानी हमारा पहला नियम क्या था कि बड़ा आ जब आ रहा था शब्द में, यानी कि हम जैसे बड़ा आ शब्द लिखे, नीला लिखे, ये लिखे, ताला लिखे, ठीक है, बड़ा आ को ए में बदलते थे, बड़ा आ को हमने ए में चेंज किया, ताले, फिर दरवाजा, दरवाजे चेंज किया। अब हम क्या किए हैं, वो पुल्लिंग था और ये स्त्रीलिंग में ए के साथ हम चंद्र बिंदु बढ़ा दिए हैं, सिर्फ इतना किए हैं, लेकिन शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए, ये कंडीशन है आपकी कि शब्द आपके स्त्रीलिंग होने चाहिए, कविता, कविताएं, महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, आपके दो रूल्स आपको समझ में आए। पहला आ की मात्रा को ए में चेंज कर देते हैं, लेकिन वो कंडीशन ये है कि पुल्लिंग होनी चाहिए। दूसरा स्त्रीलिंग के शब्दों को, स्त्रीलिंग के शब्दों में जब आ की मात्रा आती है तो उसको ए की ए लगा करके उस पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो नियम आपको हमने बताए। अब और तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई को ईआ में बदलकर इकारांत स्त्रीलिंग होने चाहिए। ये नियम हमारा तीसरा है, बड़ी ई को ईएम बदल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा लगी है ताली, ला पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर ईया यानी तालियां, पढ़ के देखिए यहाँ आ रहा है ना, तालियां, ई की छोटी ई की मात्रा और या पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, तो ईया आया। बड़ी ई को ईया में बदल करके हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। फिर देखिए नाली, नालियाँ, आया, यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, जब बड़ी ई की मात्रा आए तो उसको या पर आ की मात्रा लगा करके और उस पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। फिर देखिए साली, सालियाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा नियम क्या है कि बड़ी ई को इया में बदल करके इकारांत, जो कि इकारांत स्त्रीलिंग होना चाहिए, उसको हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम था। ये हमने पहला नियम पढ़ा बड़ा को इम बदल करके, जो कि पुल्लिंग होना चाहिए। दूसरा नियम पढ़ा अकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को, जिनके अंत में ए लगा करके उस पर चंद्रबिंदु लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा बड़ी ई को इया में बदल करके, वो भी स्त्रीलिंग होने चाहिए। ताली तालियां, नाली नालियां, साली सालियां, ठीक है। अब हमारा बचता है लास्ट नियम, ये हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ लगा करके, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी शब्द हो सकते हैं, उनके अंत में ओ लगा करके हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। नेता नेताओं, ओ आया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो सकता है, उनके लास्ट में हम ओ लगा देते हैं। लड़की लड़कियों, भाई भाइयों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ लगा करके हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे नेता नेताओं, लड़की लड़कियों, भाई भाइयों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, ठीक है बच्चों। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने पढ़ा वचन, एक वचन और बहुवचन हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बताए, ठीक है। फिर एक उसके परिवर्तन के कुछ नियम बताए, जो बड़ा आ को ए में बदलकर, जो कि पुल्लिंग होने चाहिए। दूसरा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा करके उस पर चंद्रबिंदु होनी चाहिए। फिर बड़ी ई को इया में बदल करके, ताली जैसे तालियां, नाली की नालियां, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ लगा करके। ओके, अच्छे से आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको कहीं भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर लेंगे। ओके, थैंक यू।